तो ये ट्रांसफार्मर कब से जमीन में रखा हुआ है? ये काफ़ी दिन हो गया और इसमें कई परेशानियां आ चुकी, काफ़ी दिक्कतें से हैं। अभी पिछले वीक 5 जानवर इसमें से बकरियां हो गई, गाय हो गए, अभी करंट से बत्तियाँ वो कई बत्तियाँ आई। किस तरह से समस्या है इस ट्रांसफार्मर? समस्या इसमें इस तरह के रोज फाट होता है, रोज धुआं देता है, बोलता है। जमीन में रखा हुआ तो किस तरह से दिक्कत होती है? जमीन में पानी भर जाता है, माल गोरू आएंगे सबको दिक्कत है, कोई छू जाएगा, करंट है। कब कब घटना हुई है और किसकी हुई है? अभी पिछले साल तो इसमें एक मतलब जो है एक भैंस मतलब उसको करंट लग गया था ट्रांसफार्मर से ही, तो वो खत्म हो गई। फिर अभी कुछ महीने पहले एक बकरी मतलब जानवर वो इसमें करंट से चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो गई। तो कुछ ना कुछ समस्याएं ऐसी बनी रहती हैं और छोटे बच्चों को खास कर मतलब डर रहता है, वो चंचल हैं, कहीं कुछ गेंद खेल रहे हैं, कुछ भी दौड़ते रहते हैं इधर उधर, उनके लिए तो विशेष कर मतलब खतरा जैसा। हमारा कहना है इसमें चौटला बनाई है, चौटला बनाने के बाद चारों कोने लोहे के एंगल लगवा, चारों कोने जाल लगवाई इसमें, इसमें समस्या सब खत्म हो जाए। जो सोसाइटी पे ट्रांसफार्मर रखा गया था पहले था वो 160 के वी ए का, लेकिन लोगों के दिन पर दिन देखते हुए मांग को देखते हुए और वहाँ का लोड बढ़ रहा था और ट्रांसफार्मर बार बार जल रहे थे, तो हमने उसको 250 के वी ए का एस्टिमेट बनाया और उसको 250 के वी ए का एस्टिमेट चूँकि पास नहीं हुआ, लेकिन डिमांड को देखते हुए 250 के वी ए का ट्रांसफार्मर लगा दिया। अब चूँकि एस्टिमेट पास नहीं हुआ है और जन सुरक्षा को और जान माल की सुरक्षा को देखते हुए वहाँ पे अभी हम उसको जालीबंदी करवा देंगे। भैंस और बकरी मर गए हैं तो उनके लिए क्या मुआवजा दिया गया है? भैंस और बकरी मरने की जानकारी तो अभी मेरे को प्राप्त नहीं हुई है, अगर ऐसे केसेज होते हैं तो उसके लिए धारा 44 होती है, वो भर के हम बाधा विद्युत सुरक्षा निदेशालय को भेजते हैं और उनको वहाँ के इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर आते हैं, जाँच करते हैं और जाँच करने पर जो मटेरियल चाहे जो घटना प्राप्त होती है उस अनुसार वो मुआवजा देते हैं।